आज का दिन बहुत खास था। अरे रुको, स्टार्ट से बताता हूँ। मैं उठा 4 बजे। 4 बजे क्योंकि ये तो मेरी आम रूटीन है, लेकिन मैं भूल गया था, अरे आज तो कराची जाना है, बर्थडे जो सेलिब्रेट करनी है। तो गाने काटता हूँ और डायरेक्ट बताता हूँ आपको हुआ क्या था, क्योंकि इस बीच में घर वालों को तैयार करवाना मेरा सर दर्द कर गया था, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचने की भी बहुत टेंशन थी। हम निकले हाईवे पे। हाईवे पे मौसम जब मैंने देखा कि खुशगवार है और बारिश के इम्कानात, मैंने बोला हुसैन आपकी पार्टी तो गई, क्योंकि मेरा वेन्यू बीच पे था और देखते देखते बारिश हो गई। मेरी टेंशन बढ़ी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने पहुंचा सलीद के घर। वहां पर मैंने घर वालों को रेडी करना था और खुद भी कपड़े चेंज करने थे, क्योंकि हैदराबाद से आता वह पानी में, पसीनों में और टेंशन में लथपथ हो जाता। ये सब होने के बाद, पता नहीं कितने मसले फेस करने के बाद, मैं पहुंचा वहां जहां पर आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि हुआ क्या, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड था। और यकीन करें, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा सरप्राइज है। सम से मैंने ये तसव्वुर नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ इतना पता था कि रवि का कुछ कर ही है तो बेहतरीन ही होगा। मैं वहाँ पे आया, मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे, बोले अभी रुको सेटअप लग रहा है। अब मैं परेशान, मैंने बोला इतनी देर में करूँ क्या। तो इस तरह करके मैं सलीद बाहर खड़े होके टाइम वेस्ट करके सारी चीज़ें करने के बाद मैंने बोला कुछ तो झांक के देखूं कि आखिर है क्या। मैंने देखा तो मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप ऊपर से बीच, मेरा फेवरेट है, क्योंकि सुकून सिर्फ उधर था। और ये बात का उसको बहुत अच्छे से पता था, उसको कौन, एक ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब आते हैं सीधा मेरी एंट्री पे। एंट्री हुई, मैं परेशान, क्योंकि मैंने बोला अब यहाँ से पार्टी पॉपर फटेगा या वहाँ से, यहाँ से केक तो मुंह पे नहीं आएगा, पीछे से कोई अंडा तो नहीं मार देगा। फिर याद आया, अरे मेरे दोस्त थोड़ी हैं यहाँ पे कि जो दुर्गत बनाए विश करने से पहले, क्योंकि दोस्तों का काम ही होता है। मैंने की अपनी एंट्री, यहाँ पर हो रही है मेरी पिक्चर्स, क्योंकि पिक्चर्स ज़रूरी हैं, पिक्चर्स नहीं करूँगा तो इंस्टाग्राम पे क्या होगा। और अगर आपने अभी तक पिक्चर नहीं देखी तो आप कर क्या रहे हो, जाओ इंस्टाग्राम पर, ये रहा लिंक, तबाही पिक्चर्स आई हैं, दिल खुश हो जाएगा। और बहुत सारे BTS, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि उधर ही मिलेंगी। अब मैं अपनी इंस्टा की प्रमोशन उधर रखता हूँ, बताता हूँ कि वहाँ हुआ क्या था। हुआ सिर्फ ये था कि मैं बहुत खुश था, और शायद मैं अभी बता भी नहीं पाऊँगा कि मैं कितना खुश था, क्योंकि एक चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की हो और वो सामने से हो रही हो, तो आप बोलते हो ब्रो यू आर वेरी लकी। अब आई केक कटिंग की बारी। अच्छा, यहाँ पर वो क्लिप भी नहीं है, सब मांग रहे लाइटर, और मेरी तरफ इधर मेरा दोस्त देख रहा है, इधर रवि का देखती है, और मैं घर वालों को देख रहा हूँ। दिल बोल रहा है खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, और उनकी आंखें स्टिल हैं। फिर मुझे बचाने के लिए वेटर आया, लाइटर दिया और केक जला। वहाँ मुझे सुकून आया, जो कि मेरे चेहरे पे नर्वस देख रहे हो ना, खैर छोड़ो यार, क्या सोचे इतना, बर्थडे है इंजॉय करो हुसैन। मैं खुशी से केक काट रहा था, पहले रबीका के साथ, उसके बाद घर वालों के साथ, उसके बाद दोस्तों के साथ। एक ही केक है, कितनी बार काटूंगा। किसी लड़की से मैं ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था, उसने एंड कर दिया, अभी खाने की टाइम है, यहाँ लग गया खाना। अब आपको पता है उस जगह पे मैंने तो सोचा मछली होगी, वहीं से निकाली हुई, लेकिन फिर याद आया बस सी व्यू थोड़ी है, हॉग्स बे है भाई, अच्छी जगह है, खाने में अल्फ्रेडो, सीख कबाब, बिरयानी, बड़ी मिर्चों वाली थी यकीन करो, लेकिन बड़े मज़े का था, साथ में आइसक्रीम। फिर मेरी नज़र पड़ी चैंपियन पे, सिर्फ माल्ट था भाई, एप्पल जूस था, लेकिन उसको मैंने ऐसा उठाया जैसे अपन तो बिल्कुल पी पा के खड़े हुए, क्योंकि उस वक्त मैंने खुद को खो दिया था।
कि यहाँ पे कोई भी नहीं हुसैन, सिर्फ तू है और सिर्फ तू है और बस तू है, तो आग लगा दे, मेरा दिमाग बंद, मेरी आँख बंद और मेरे बस हाथ चल रहे और मैं इंजॉय कर रहा हूँ और मेरा सबसे फेवरेट गाना चल रहा था, सूरज तू बह है यारो दो घुट नशे के। नशे के वर्ड सुनते ही मैंने बोला हुसैन शायद घर वाले साथ हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक अलग ही मंजर था। ये सारी तो अपने क्लिप्स देख ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरे दिल का हाल गया था। मैंने अपनी एक्साइटमेंट नहीं बताई, मेरे दो दोस्त मेरे साथ थे जो कि बिल्कुल कोने में कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। हम पहुँचे 10 बजे, हमें रुकना है सुबह 7 तक, क्यों? क्योंकि सुबह की भी तो शूट करनी है। कपड़े लाएं भाई, सब करके जाएंगे, आज बर्थडे है मेरा। लेकिन यकीन करें मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी, इस चीज़ की मेरे पास क्लिप नहीं है। 4 बार भाग रहा था ना जब पानी की लहरों के साथ रात में, यकीन करो ऐसा हाँफ गया था, दिल 99 की स्पीड पे धक 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 धक। उस वक्त मैं लेट गया और मुझे टेंशन हो रही, मुझे हैदराबाद ड्राइव करके भी जाना है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन कसम खा के बता रहा हूं कि मेरा जिंदगी का सबसे बेहतरीन बर्थडे था, सबसे बेहतरीन दिन था, क्योंकि मेरी बर्थडे थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बहुत प्रिपेयर होके बैठा था कि मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा ये बोलूँगा, लेकिन जैसे ही कैमरा खुला और जैसे ही आँखें बंद करके मैं वो मंजर सोचता हूँ तो सिर्फ खुशी, बेहतरीन वाइब और सिर्फ शुक्रिया, इसके अलावा कुछ नहीं। रात ख़त्म होने का इंतज़ार था, सुबह की किरण का वेट था और ये दिमाग में था कि सुबह हो तो और शूट हो। सीव्यू पे 4 चक्कर मारने के बाद मैं लेट गया और मैं सुबह की रोशनी का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि स्टैमिना बिल्कुल नहीं था। सुबह हो गई थी, कपड़े वपड़े चेंज किए, शूट कराने के लिए नहर के पास गए, कर दी ना वही हैदराबादी वाली, नहर के पास नहीं क्योंकि मैं था हॉग्स बे पे, तो आपको पता है स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ था, कॉलर ऐसे करके खड़े हुए थे। शूट कंप्लीट करने के बाद मैंने लिखा ऐसे करके मिट्टी पे रवि सेन बड़ा सा, क्योंकि ये बताना था कि ये बहुत बड़ा नाम है। मैंने अपनी बर्थडे इस तरह इंजॉय की, आपने देख के इंजॉय की, अब फैसला आप करें इसके बाद क्या कुछ देखना है। जैसे कि मैंने बोला व्लॉग नहीं बना इस बार, लेकिन मेरी वीडियो बनी, मेरी जीत इसमें ही बहुत है। सारे गाने काट के पहले जिसने इतना सब कुछ किया उसको इतना सारा मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू, उनकी फैमिली को, वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी लोग मौजूद थे और जितने भी लोग वहाँ पर खुश थे, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखा जो मजबूरी में ऐसे बैठा हुआ, हर तरफ खुशियाँ थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं बोलूँ क्या। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मुझे मना किया गया है कि शुक्रिया मत बोलना, लेकिन बोलना तो हक है ना यार, रहा ही नहीं जाता। मैं अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और अपने लिए सब करता हूँ और सब करूँगा। बहुत सारा प्यार दिखाएं इस वीडियो को, लाइक टक 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 और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि 1 मिलियन सेलिब्रेशन इससे भी ख़तरनाक होने वाली है। तो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस वीडियो को, बहुत सारा प्यार दिखाएं एंड विश मी हैप्पी बर्थडे हुसैन, सिर्फ नाम नहीं है ब्रांड है ब्रांड। अल्लाह हाफिज़।